मध्य प्रदेश के बैतूल में पिछले दो दिन से भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। पिछले 24 घंटे में बैतूल में 6 इंच बारिश हो चुकी है। बारिश के चलते बैतूल के पारसडोह के गेट खोलने से ताप्ती नदी में बाढ़ आ गई है। ताप्ती नदी के उफान पर होने से बैतूल के खेड़ी घाट पर नगर पालिका के द्वारा बनाए गए बैराज का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। बैतूल की पेयजल व्यवस्था के लिए खेड़ी घाट पर नगर पालिका के द्वारा बैराज बनाया गया था, जो ताप्ती नदी के उफान आने पर कुछ क्षतिग्रस्त हो गया। नगर पालिका अधिकारी बता रहे हैं कि बैराज के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसके बाजू का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और मिट्टी का कटाव हुआ है। बैराज के हिस्से के टूटने को लेकर नगर पालिका ने बैराज बनाने वाली कंपनी को नोटिस भी भेजा है। अधिकारियों का कहना है कि पानी कम होने के बाद स्थिति का जायजा लिया जाएगा। यह बैराज 7 करोड़ की लागत से बनाया गया था और इस बैराज से पानी पाइपलाइन के माध्यम से बैतूल लाया जाता है। बैराज क्षतिग्रस्त होने से ताप्ती नदी का पानी खेतों में जा रहा है, जिससे फसल को भी नुकसान हो सकता है। इस स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। ताप्ती बैराज में अभी कल से जो अत्यधिक अतिवृष्टि जो हो रही है, जो बारिश अधिक बारिश हो रही है, उसके कारण जो हमारा मतलब ताप्ती बैराज के साइड वाला जो खेत वाला हिस्सा है वो अतिबारिश मतलब अतिवृष्टि के कारण बह गया है। लगभग कल जिले में 202 mm लगभग की बारिश हुई है, जिसके कारण पानी जो ताप्ती बैराज उसके लगभग जो उसका लेवल टॉप लेवल से 2 मीटर है वो लगभग बह रहा है। तो वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, उसको विजिट कर रहे हैं, क्योंकि अभी पानी है तो अभी समझ नहीं आ रहा जो, क्योंकि खेत के बाजू का जो मिट्टी का या खेत का कटा हुआ है उसके बाद ही हम बता पाएंगे विजिट करने के बाद ही कि कितना उसका डैमेज हिस्सा डैमेज हुआ है। अभी बाकी स्ट्रक्चर कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी हमें लगता है कि अच्छी हालत में, जो खेत का मिट्टी वाला हिस्सा वो बाहर। और अभी हमने इसके लिए चंद्रा लिमिटेड को, जो रायपुर की कंपनी है, उनको हमने नोटिस जारी भी कर दिया है। इस संबंध में हम 1-2 दिन में जो भी कार्रवाई होगी उससे हम अवगत कराएंगे। और इस बारे में हमने कलेक्टर सर को भी अभी सूचित कर दिया है। कलेक्टर सर के माध्यम से जो भी कार्रवाई होगी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर कितनी लागत से बना? ये लगभग 7 करोड़ की लागत से बना था, लगभग इसको बने हुए 3 साल हो गए। अभी इसका भुगतान अभी फाइनल मिल नहीं हुआ है। इसका भुगतान लगभग 45 से 50 लाख रुपये अभी रुका हुआ है, और SD और PG इसकी रुकी हुई है, और अभी वो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में है हमारा जो बैराज है। क्या कार्रवाई की जाएगी? अब उससे तो पहले जो डैमेजेस होगा उस पर हम लोग देखेंगे कि कितना स्ट्रक्चर उसमें डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अभी पानी बहुत तेज बह रहा है। तो अभी ऊपर टॉप लेवल पर दिख रहा हमको, उसका नीचे का बेसिक जो उसका फाउंडेशन है सही है कि नहीं, वो सब चीज़ हम लोग देख के ही बता पाएंगे। अभी आसपास के खेतों में पानी भर गया है तो उनको मुआवजा देंगे कि किसानों को? इस बारे में हम लोग हमारे यहाँ प्रशासक सर कलेक्टर महोदय हैं, हम उससे मतलब उनके द्वारा जो भी मतलब कार्रवाई होगी उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे मुआवजे के बारे में। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से बैतूल जिले में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं बैराज के निर्माण में किस तरह अनियमितता बरती गई उसकी पोल बारिश ने खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, बैतूल।